नमस्कार मित्रों, मैं सज्जन सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एजुटेक लाइव पर। दोस्तों, कल हमने राजस्थान जीके की आर्ट एंड कल्चर की शुरुआत की थी। उसमें हम लोक देवता चैप्टर स्टार्ट किया था, उनमें हम रामदेव जी लोक देवता को पूरा कर लिया है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो वापस इस वीडियो को देखने के बाद रामदेव जी जो हमारा पहला वीडियो है पार्ट फर्स्ट लोक देवता को, वो जाकर वापस देख लें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब हम आज बात करते हैं बाबूजी राठौड़ लोक देवता, बाबूजी राठौड़ की। दोस्तों, बाबूजी राठौड़ ये हमने कल देखा था पंचपीर की श्रेणी में भी आते हैं। बाबूजी राठौड़ के पहले उपनाम देख लेते हैं, क्या क्या उपनाम है इनके। बाबूजी राठौड़ के दो उपनाम हैं, एक है प्लेग रक्षक देवता और दूसरा इन्हें ऊँटों के देवता भी कहते हैं। प्लेग रक्षक देवता और दूसरा ऊँटों के देवता। प्लेग, ये प्लेग एक रोग है। इस रोग की रक्षा के लिए बाबूजी की पूजा की जाती है। प्लेग रोग चूहे में उपस्थित पिशु के जिनेप्थोला वायरस के कारण होता है और ये ऊँटों के देवता भी कहलाते हैं बाबूजी। अब हम देखते हैं बाबूजी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1239 ईस्वी में कोलमुंड गांव का नाम है जो फलोदी जोधपुर में आता है। कोलमुंड गांव जोधपुर में 1239 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों, बाबूजी के जो है वह अवतार जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं लक्ष्मण के अवतार। बाबूजी लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। और ये जो वंशज थे यह राव सिंहा के वंशज थे। राव सिंहा के वंशज माने जाते हैं बाबूजी राठौड़। आपने राजस्थान के इतिहास में पढ़ा होगा राव सिंहा जो जोधपुर के शासक हुए थे, राव सिंहा ये राठौड़ थे, तो उनके वंशज माने जाते हैं बाबूजी, यानी उनके वंश में थे। अब हम बात करते हैं इनकी जो घोड़ी थी बाबूजी की घोड़ी, उस घोड़ी का नाम था केसर कालमी। एक्चुअली ये घोड़ी बाबूजी की तो नहीं थी, लेकिन जब बाबूजी विवाह के लिए गए थे तो इस घोड़ी केसर कालमी घोड़ी लेकर गए थे। तो इस केसर कालमी घोड़ी को लेकर एक को बाबूजी जब एक कहानी भी है कि बाबूजी के जो एक बहनों थे जिंदराव खिंची का विवाह हुआ था तो इस केसर काल में घोड़ी से ही उनका तोरण किया गया था। और जिंदराव खिंची को वह घोड़ी केसर काल में पसंद आ गई थी और वह घोड़ी थी देवल चारणी की। तो घोड़ी जिंदराव खिंची ने देवल चारणी से मांग की थी कि यह घोड़ी मुझे पसंद आ गई, मैं इस घोड़ी को ले जाऊँगा। तब देवल चारणी ने मना कर दिया। वह घोड़ी इतनी सुंदर थी कि आज तक ऐसा कहा जाता है वैसी घोड़ी नहीं है उस केसर काल में जैसी, तो उसको नहीं दी देवल चारणी ने घोड़ी। तब जिंदराव खिंची जो है वो चले गए वापस। फिर बाबूजी का जब शव आ गया था, इमरजेंसी में बाबूजी का शव आया तो बाबूजी की कोई घोड़ी नहीं मिली, इसलिए बाबूजी देवल चारणी के पास घोड़ी लेने गए थे केसर काल में, जो देवल चारणी की घोड़ी थी केसर काल में। तब देवल चारणी ने बाबूजी को कहा था हमें आपको घोड़ी तो दे दूंगी, लेकिन आपके बहनों को मैंने घोड़ी नहीं दी इसलिए वो नाराज़ हो जाएंगे। तब बाबूजी ने कहा था उनको मैं मना लूँगा, आप मुझे घोड़ी चाहिए, मुझे कोई भी घोड़ी नहीं मिली। तब बाबूजी को वो देवल चारणी जो थी वो घोड़ी दे देती हैं। तब जो उनके बहनों थे जिंदराव खिंची वे बाबूजी से नाराज़ हो जाते हैं और बाबूजी की शादी अटेंड नहीं करते हैं। बाबूजी उनको पत्र भी लिखते हैं लेकिन फिर भी वे अटेंड नहीं करते हैं और नाराज़ हो जाते हैं बाबूजी से। फिर बाबूजी गए थे घोड़ी, बाबूजी की जो बारात गई थी वो गई थी अमरकोट, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। अमरकोट के वहाँ सूरजमल, इनके ससुर का नाम था सूरजमल और इन सूरजमल की पुत्री थी सुप्यार दे, जिनसे बाबूजी की विवाह होना था। अब बाबूजी बारात लेकर गए अमरकोट और सुप्यार जी से शादी करने के लिए। तो जब वह चले गए तो पीछे से जो जिंदराव खिंची है वह नागौर, इनका बहन जिंदराव खिंची वह नागौर जाइल का रहने वाला था, जाइल जो नागौर में, तो वह जिंदराव खिंची
जब यह चले गए बाबूजी अमरकोट तो जिंदराव खींची पीछे, जो है कोलमुंड गांव में देवलचारणी जो थी वहां अटैक कर देता है गांव में और देवलचारणी की गायें चुरा लेता है। और देवलचारणी को कहता है कि जब आपको गायें चाहिए तो आप बाबूजी को और साथ में केसर काल में घोड़ी देकर भेज देना और मैं आपको गायें दे दूंगी। बस ये जो जिंदराव खींची है वो गायें लेकर रवाना हो जाते हैं यहाँ से। तब भागती हुई देवलचारणी जाती है यहाँ बाबूजी के पास। बाबूजी और सुप्यार जी जो है वो अच्छा सा मंडप सजा हुआ था वहाँ पे बैठे थे और फेरे ले रहे थे दोनों। तब चार ही फेरे हो रहे, चौथा फेरा चल रहा था तब देवलचारणी दौड़ती हुई आती है बाबूजी के पास और कहती है, आपका बहनों जिंदराव खींची मेरी गायें चुरा कर ले गया है, आप मेरी गायें को बचाओ। तो बाबूजी कहता है, मैं गायें आपकी वापस ला दूंगा, मेरे पहले शादी होने दो। चार फेरे हो गए हैं, सात फेरे, अभी तीन फेरे बाकी है। तब ये मानती नहीं है देवलचारणी, कहीं नहीं मैं मुझे पहले गायें चाहिए। तब बाबूजी के जो ससुर थे सूरजमल, इन्होंने कहा था मैं उनसे ज़्यादा गायें आपको दे दूंगा मैं, लेकिन मेरी पत्नी की पहले पूरी तरह शादी होने दो। फिर भी देवलचारणी नहीं मानी कि मुझे तो मेरी गायें चाहिए। तब बाबूजी कहते हैं कि बस मेरे जो चार फेरों में ही मेरी शादी हो गई है बस। और मैं बाबूजी चले जाते हैं यहाँ उस उनके बहनों जिंदराव खींची को। तब तक जिंदराव खींची जोधपुर के देचु गांव में पहुँच चुके थे। और बाबूजी आते हैं और इनके साथ तीन सहयोगी आते हैं बाबूजी के साथ, एक चांदा, हरमल और डेरा। इन तीन नाम के जो भक्त थे बाबूजी के, ये तीन सहयोगी आते हैं चांदा, हरमल और डेरा देचु गांव तक। और यहाँ मनाते हैं जिंदराव खींची को, लेकिन जिंदराव खींची नहीं मानता है और बाबूजी और जिंदराव खींची के मध्य भयानक युद्ध होता है। तो दोस्तों बाबूजी और उनके बहनों बाबूजी राठौड़ और उनके बहनों जिंदराव खींची के मध्य युद्ध होता है। जिंदराव खींची जो बाबूजी का बहनों था जीजाजी, तो इनके बीच जो युद्ध होता है वो होता है देचु ग्राम जो जोधपुर में पड़ता है हमारे यहाँ देचु गांव में युद्ध होता है। इसमें बाबूजी राठौड़ जिंदराव खींची बाबूजी राठौड़ यहाँ पे अपने प्राण त्याग देते हैं, इनकी यहाँ मृत्यु हो जाती है। और बाबूजी राठौड़ के एक भतीजा होता है उसका नाम है रूपनाथ झरड़ा। यह रूपनाथ झरड़ा इसका भतीजा होता है। उन्होंने बाद में जिंदराव खींची की वापस बदला लिया था, इस जिंदराव खींची की मृत्यु की थी वो करती की थी रूपनाथ झरड़ा। तो आरएस लेवल का एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि बाबूजी के बहन जिंदराव खींची की मृत्यु को किसने मारा था, तो आपका उत्तर होगा रूपनाथ झरड़ा, जो बाबूजी के भतीजा था ये रूपनाथ झरड़ा। और इस रूपनाथ झरड़ा को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में इनकी पूजा होती है। बालकनाथ के रूप में रूपनाथ झरड़ा की पूजा की जाती है जो बाबूजी के भतीजे थे। और तब इस युद्ध में बाबूजी राठौड़ ने अपने गायों की रक्षा हेतु प्राण त्याग देते हैं वहाँ पर। अब बात करते हैं आगे बाबूजी राठौड़, तो इनकी पत्नी का नाम सुप्यारी था, इसलिए आज भी ये चार फेरों में उठकर गायों की रक्षा के लिए आए थे वहाँ थे, इसलिए आज ही इनके सम्मान में हमारे यहाँ चार ही फेरे लिए जाते हैं, क्योंकि बाबूजी ने भी चार ही फेरे लिए थे। अब बात करते हैं बाबूजी राठौड़ ने और क्या क्या काम किया था। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं बाबूजी के प्रमुख मंदिर की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो अभी हमने तीन सहयोगी पढ़े थे बाबूजी राठौड़ के, चांदा, डेरा और हरमल, और कल जो हमारी क्लास थी बाबा रामदेव जी के, वहां पर भी उनके तीन सहयोगी थे। उन सहयोगी का नाम था, एक था लक्की बंजारा और दूसरा था हरजी भाटी, और इनके तीसरे सहयोगी हुए थे वो थे रत्ना राय का। तो ये तीन तो सहयोगी है वो है रामदेव जी के, और ये है बाबूजी राठौड़ के जो भक्त सहयोगी कहते हैं हम इनको। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि इनमें ये जो तीनों नाम है वे दो दो शब्दों के बने हुए हैं। तो आपको याद रखना है जो दो दो शब्दों के बने हैं वो रामदेव जी के, और जो एक एक शब्दों से
नाम बने हुए वह है बाबूजी राठौड़ के। तो आपका यहाँ कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा, आपको इतना ही याद रखना जो दुध है वो रामदेव जी के, तो ये फिर याद आ जाएगा ये सहयोगी। अब इनके प्रमुख मंदिर देखते हैं, तो यह है इनका मान लो प्रमुख मंदिर है बाबूजी राठौड़ का। बाबूजी राठौड़ का जो प्रमुख मंदिर है वो है कोलमुंड गांव जो खोड़ोदी में है, कोलमुंड खोड़ोदी जोधपुर में है, यहाँ पे इनका प्रमुख मंदिर है कोलमुंड में, जहाँ इनका जन्म हुआ था। और इस मंदिर में यहाँ पे ये घोड़े पर सवार है, इस घोड़ी मतलब बाबूजी से घोड़े पर सवार और हाथ में भाला लिए हुए हैं बाबूजी। तो इसे हम कह सकते हैं अश्वारोही प्रतिमा, यानी इस मंदिर में जो बाबूजी है वो अश्व यानी घोड़े, तो घोड़े पर सवार है जो प्रतिमा बाबूजी, इसलिए इसे अश्वारोही प्रतिमा कहते हैं। और इसे इसकी एक विशेषता और है कि यहाँ झुकी हुई पाग यानी पाग कहते हैं पगड़ी को, तो इसलिए ये जो पगड़ी है वो बाईं तरफ थोड़ी झुकी हुई है, इसलिए यहाँ विशेषता है इस यहाँ की झुकी हुई पाग और अश्वारोही प्रतिमा है। और उनका अन्य मंदिर है, ये तो प्रमुख मंदिर है कोलमुंड जो जोधपुर में, और अन्य मंदिर है वह है एक आहाड़ उदयपुर में, बाबूजी का अन्य मंदिर आहाड़ जो उदयपुर में आता है आहाड़ वहाँ पर। तो इनके प्रमुख मंदिर कोलमुंड में है, और इस मंदिर में दो विशेषता, एक तो अश्वारोही प्रतिमा और झुकी हुई पाग। और इनका जो एक मेला भरता है इस मंदिर में, वह मेला भरता है चैत्र अमावस्या को यहाँ पर बाबूजी का मेला भरता है। तो दोस्तों आपका हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपके दोस्तों को भी शेयर कर दो इसको, ताकि वो भी हमारे से जुड़ सके। अब हम बात करते हैं बाबूजी की और भी विशेषता, एक ग्रंथ का नाम आता है, उस ग्रंथ का नाम है बाबू प्रकाश। ये बाबू प्रकाश ग्रंथ है, इस ग्रंथ की रचना की थी वे की थी आशिया मोड़ जी ने। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, BSTC जैसे एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना बाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी वह की थी आशिया मोड़ जी ने। और बाबूजी की एक बाबूजी मारवाड़ के अंदर, हमारे मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय है वो बाबूजी को दिया जाता है। बाबूजी मारवाड़ में ऊँट लेकर आए थे, और यह ऊँट जो लेकर आए थे ऊँट वह इन रायका को दे दिए थे, एक रायका था उस रायका जाति के, वो उनको दे दिए थे, इसलिए आज भी रायका जो देवासी या रेबारी इनके आराध्य देव है बाबूजी। बाबूजी को यह आराध्य देव के रूप में माना जाता है। तो बाबूजी ऊँट लाने का श्रेय, मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय वो जाता है बाबूजी को। बाबूजी ने ऊँट लाकर रायका को दिया था, इसलिए रायका जाति है वो बाबूजी को आराध्य देव मानती है। दोस्तों एक होता है आराध्य देवता और एक होते हैं कुल देवता, तो इन दोनों में अंतर यही है। आराध्य एक तो होता है कुल देवता का मतलब होता है वो उसके जो देवता है वो उसके कुल में जन्म लिया था और वह कुल उनको मानती है, तो वह हो जाता है कुल देवता। और आराध्य देव यानी वो दूसरे थे, लेकिन उनकी पूजा कोई दूसरी जाति के करे, आराधना करे उनकी, तो वह आराध्य देव कहलाते हैं। तो बाबूजी रायका देवासी रेबारी और एक होती है नाइक जाति, इनकी पूजा आराध्य देव के रूप में करते हैं बाबूजी की। और मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय इसलिए बाबूजी को ऊँटों के देवता भी कहते हैं, यानी जब ऊँट बीमार पड़ जाते हैं तो बाबूजी की पूजा की जाती है और बाबूजी ऊँटों को वापस स्वास्थ्य ठीक करता है। तो ऊँट के बीमार होने पर बाबूजी की पूजा की जाती है, और एक जो बाबूजी की फड़ भी बांची जाती है, बाबूजी की फड़ बाबूजी की जो फड़ है वह फड़ बांची जाती है नाइक जाति के भोपों के द्वारा। नाइक इस फड़ को नाइक जाति के
वो पे दोबारा ये फड़ बांची जाती है और इस फड़ को बांची जाती है तब जो वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है वह वाद्य यंत्र है रावण हत्ता। तो आपको ध्यान रखना बाबूजी की फड़ बांची जाती है नाइक जाति के बोपों के द्वारा और वाद्य यंत्र है रावण हत्ता वाद्य यंत्र साथ। एक होता है बाबूजी के बाबूजी के पावड़े बाबूजी के पावड़े गाए जाते हैं वह उस पावड़े गाए जाते हैं उनका वाद्य यंत्र है मठ वाद्य यंत्र। यानी बाबूजी की जो फड़ गाई जाती है तब वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है रावण हत्ता और पावड़े गाए जाते हैं तब प्रयोग में लाए जाते हैं वाद्य यंत्र मठ। तो आपको इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बता देता हूँ। जब हम खेत में जाते हैं पाणत करने के लिए तब पावड़े लेकर जाते हैं और उस पावड़े को कहाँ पर रखते हैं माठ पर रखते हैं माठ। तो इसलिए आपको याद रखना जो बाबूजी की पावड़े हैं वे माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। और जो फड़ होती है वो होती है एक कपड़े पर, मान लो ये कपड़ा है इस पर विभिन्न प्रकार के बाबूजी के जीवन से संबंधित चित्र लगे होते हैं जैसे केसर कालमी की घोड़ी और बाबूजी का जो भी बाबूजी के जीवन की रचना है उसमें चित्र बने होते हैं। और जो नाइक जाति की जो भोपा है वो तो उसको गाता है और जो भोपी होती हैं वह उसके हाथ में एक छड़ और लालटेन होती हैं वह जब वह जो भोपा गाया जाता है इस फड़ के जिस भाग को गाया जाता है उस भाग को जो भोपी है वो लालटेन से प्रकाश डालकर बताते हैं कि जब वो केसर का जैसे मान लो केसर काल में घोड़ी का जब वर्णन करते हैं तब ये भोपी है जो वो केसर कालमी की घोड़ी का चित्र बनाता है। और ये जो फड़ है इस फड़ का जो महत्वपूर्ण बनाने का जो स्थान है फेमस वो है नाथ द्वारा जो राजसमंद में है।